बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद हुसैन तालीम के तड़का के प्लेटफॉर्म से आपके लिए पाकिस्तान कोस्टल गार्ड की जॉब लेके आया हूँ। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप देख लें एक दफ़ा। काफ़ी लेंदी एडवर्टाइजमेंट है। आइए अब जॉब देखते हैं इसकी, कौन कौन सी जॉब हैं। ये मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है जॉब्स उस्ताद के .com के नाम से। इसके अंदर जॉब, ये जॉब पोस्ट है पाकिस्तान कोस्टल गार्ड जॉब 2021 एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसके साथ शायद एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा, ये देखते हैं इसके रिक्वायरमेंट क्या है। जॉब्स लोकेशन जो है इसकी पाकिस्तान है, मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग भर सकते हैं इस पर। इसके अलावा पब्लिश डेट है इसकी 10 जनवरी 2021, लास्ट डेट है इसकी 24 फरवरी 2021। न्यूज़पेपर है के टू न्यूज़पेपर के अंदर आई है ये। ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान कोस्टल गार्ड PCG इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन इसके अंदर, एजुकेशन जो है प्राइमरी, इंटरमीडिएट और मास्टर, मतलब प्राइमरी से लेकर मास्टर तक की इसके अंदर एजुकेशन मांगी गई है। उसके अलावा कैटेगरी ये गवर्नमेंट जॉब है ये। उसके अलावा फुल टाइम है, नंबर ऑफ पोस्ट जो इसमें जितनी भी अगर सबको सम करते पोस्ट को तो 774 बनती है, ये इसकी तादाद है। उसके अलावा लेटेस्ट पोस्ट वैकेंसी इन पाकिस्तान कोस्टल गार्ड जॉब January 2021। पहली पोस्ट लिखिए, पोस्ट नेम है और क्वालिफिकेशन के हिसाब से। पहली पोस्ट से सिपाही की मैट्रिक मांगा है, सिपाही जनरल ड्यूटी में भी मैट्रिक है, फिर सिपाही क्लर्क है इसमें इंटरमीडिएट मांगा है, सिपाही MT इसमें मैट्रिक है, सिपाही नर्सिंग मैट्रिक, सिपाही कारपेंटर मिडिल, सिपाही पेंटर मैट्रिक, सिपाही SMT मैट्रिक, सिपाही EM इंटरमीडिएट, सिपाही इलेक्ट्रिशियन मैट्रिक, सिपाही एरो आर्मर इसमें भी मैट्रिक, रिलीजियस टीचर मैट्रिक, NCS वेल्डर प्राइमरी, NCS कारपेंटर प्राइमरी, NCS टेलर, NCS प्रिंटर, NCS KHALASI जो भी नाम बन रहा है, फिर मैस वेटर, फिर माली, फिर मोची, फिर बारबर, फिर सैनिटरी वर्कर। इसके अंदर सब में प्राइमरी एजुकेशन ही चाहिए। फिर शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब भर्ती का मकाम या तारीख। पंजाब का है सबसे पहले, पंजाब का जो है वो 25 से लेकर 27 जनवरी है। इसके अलावा लाहौर है 1 से लेकर 3 फरवरी को होंगे वहाँ पर टेस्ट उसके। फिर पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो टेस्ट है वो रावलपिंडी के सेंटर के अंदर होंगे 8 से लेकर 10 फरवरी तक। सिलासिन अर्बन रूरल कराची हैदराबाद ओनली, ये शक्कर के अंदर होंगे इसके 21 से लेकर 22 जनवरी 2021 को। सिलासिन रूरल एंड अर्बन ये दूसरी कैटेगरी है, इसके डेस्क कराची में होंगे 3 से लेकर 5 मार्च तक होंगे। उसके अलावा ECG वही कोस्टल पाकिस्तान कोस्टल गार्ड जॉब 2021 फॉर बलूचिस्तान के होंगे उत्थल के अंदर 19 से लेकर 20 फरवरी तक। गवादर में 23 होगा, ये 233 लिख दिया, 23 से लेकर 24 फरवरी तक। उसके बाद है खैबर पख्तूनख्वा एंड एक्स फाटा, दी शेड्यूल विल बी अनाउंस लेटर, इनके लिए अनाउंस किया जाएगा बाद में।
द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रीच द रिक्रूटमेंट सेंटर, मतलब जो भी सेंटर इसमें दिए हुए इन डेट्स के अंदर 7 बजे इनको पहुँचना होगा इसी सेंटर पे और एड्रेस के अंदर जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिए गए हैं। इसके अलावा एज लिमिट फॉर पाकिस्तान कोस्टल गार्ड 2021 18 से लेकर 25 साल तक के लोग इस पर भर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इसमें, हाइट है 5'6" मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई भी हो सकती है, 7 फुट भी हो सकती है, 6 फुट भी हो सकती है। फिर चेस्ट है 34 इंचेस विथ 2 इंचेस स्प्रेड, मतलब फुलाने के बाद 2 इंच फुलाने के बाद, और ऐसे जो नॉर्मल चेस्ट होगा वो 34 इंच होना चाहिए। तो प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, इनिशियल रजिस्ट्रेशन होगी, सबसे पहले इनिशियल रजिस्ट्रेशन होगी, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर आपके फिर कॉल लेटर मिलेगा आपको। 7 प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके हाथ में कॉल लेटर आएगा। फिर फैसिलिटीज फॉर द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज, फैकल्टीज फॉर द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज, फ्री अकोमोडेशन एंड यूनिफॉर्म, फ्री इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रेन, टूर ऑफ अदर कंट्रीज ऑन डेपुटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज। मतलब सिलेक्शन जब हो जाएगा आपको, उसके बाद आपको ये 5 फैसिलिटीज मिलेगी और आपकी फैमिली को भी मिलेगी, मेडिकल फ्री मिलेगा, इसके अलावा आने जाने का खर्चा भी, और क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, और यूनिफॉर्म, ये तमाम चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ हैं जो कि आफ्टर अपॉइंटमेंट मिलेंगी। उसके बाद क्या है इसके अंदर और मज़ीद, और तो कुछ मज़ीद नहीं है इसके अंदर, बाकी ये देख लें सेंटर्स के नाम है। ये पॉइंट नंबर 2, इस एड का पॉइंट नंबर 2 के अंदर भर्ती का मकाम तारीख ये लिखी हुई है, सूबे पंजाब के सेंटर लिखे हुए हैं, उनकी तारीखें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी तारीख में होगा, कब कब होगा। उसके अलावा सूबे पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अंदर इसके सेंटर के नाम लिखे हुए, उनकी तारीखें भी लिखी हुई हैं। फिर सुबह सिंध शहरी और देहाती, सिंध शहरी सिर्फ हैदराबाद और सक्कर डोमिसाइल वाले, इनका सेंटर सक्कर रखा गया है जो कि 21 से लेकर 22 जनवरी 2021 को होगा। उसके बाद है भर्ती का मकाम सुबह सिंध शहरी देहाती, ये भी ये कोरंगे 2:30 के अंदर होगा, 3 से लेकर 5 मार्च 2021 को। फिर सुबह बलूचिस्तान के भी 2 सेंटर रखे गए हैं, जो एक 19 से 20 फरवरी 2021 है, एक की 23 से 24 फरवरी 2021 है। उसके बाद सुबह पख्तूनख्वा और फाटा का, अभी तारीख बाद शायद ही आई, अभी इसका वो नहीं। उसके अलावा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके टेस्ट भी कोरंगी 2:30 पर रिपोर्ट करें। इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर है फुटबॉल है, स्विमिंग है, मार्शल आर्ट है, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, उनके मुख्तलिफ डेट के अंदर रजिस्ट्रेशन की मुख्तलिफ डेट है, उसके अगले दिन उनकी इम्तिहान बराए स्पोर्ट होगा। उसके अलावा जिस्मानी मायार तो मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि कब पहुंचना है उसके अंदर, 7 बजे पहुंचना है हर सेंटर के अंदर। उसमें ये नहीं लिखा था कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। इसमें पॉइंट नंबर 6 के अंदर लिखा है, उम्मीदवार अपने हमरा मंदर जेल असनाद की 2 अदद नकुल, मतलब 2 सेट लेके आने, जितने भी जो भी असनाद मतलब आप लेके जा रहे उसके दो सेट लेके आना है आपको, जिसके अंदर 4 अदद पासपोर्ट साइज़,
तस्वीर हैं लेके जानी है आपको, रजिस्ट्रेशन से, जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले चेक की जाएंगी, ये तमाम चीज़ें रजिस्ट्रेशन से पहले चेक की जाएंगी आपकी। उसके अलावा अब इसमें जो चीज़ें आपको लेके आनी वो क्या कहिए, असल सर्टिफिकेट और दीगर असनाद, असल सर्टिफिकेट भी लेके आना है और दीगर असनाद के अंदर क्या लेके आना है, वो कौमी शिनाख्ती कार्ड लेके आना है, जो कि नादरा से ही होगा, नादरा ही करता है सब कुछ इसको डील। फिर डोमिसाइल है आपका, 4000 पासपोर्ट साइज तस्वीर हैं आपकी, कोई टेक्निकल कोर्स डिप्लोमा या तजुर्बे का सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी इस पोस्ट के लिए होगा, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद फोटोकॉपी के तो आपको 2 सेट बनाने पड़ेंगे, इसके अलावा ओरिजिनल तो जो हैं आपके पास वो लेके जाने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा सिलेक्शन का तरीका है पीछे मैंने बता दिया था, और मरात भी क्या मिलेंगी आपको वो भी बता दिया था। बाकी ये जाली, अगर आप जाली कोई चीज़ पेश करेंगे उनको ये दिखाएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई मतलब होनी चाहिए सर, क्योंकि फ्रॉड है, धोखा है, क्राइम है ये तो। वही लिखा है कि इम्तिहान के लिए कागज़ कलम, इम्तिहानी गत्ता और जिस्मानी वही फिज़िकल के लिए पीटी शूज़ भी ज़रूर लेके आए, नहीं तो अब आजकल सब उसके रनिंग के अंदर हो गया है। ये लिखा हुआ है कोई सफरी खर्चा नहीं दिया जाएगा, दौरान भर्ती क़याम और ताम की सहूलत मुहैया नहीं की जाएगी। सही है, दौरान भर्ती मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मना है, कोई भी उम्मीदवार मोबाइल फ़ोन अपने हमरा ना लाए। सही है, सरकारी मुलाजमीन अपने महकमे से इजाज़तनामा NOC हमरा लेके आए, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन जो हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मौजूद हैं अपने साथ NOC ज़रूर लेके आए। लेकिन स्टेशनरी और मेडिकल के अखराजात उम्मीदवार खुद बर्दाश्त करेंगे, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे लेकिन समझा जा सकता है। ग्यारह पॉइंट पे लिखा हुआ कि डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखें, कोरोना COVID-19 के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, करने के बाद फिज़िकल मेडिकल टेस्ट के लिए आए। मैं जो एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको बताई हैं, ये जो वो लोग बताएं उस पर अमल करें, ज़्यादा उनसे उलझने की कोशिश नहीं करें, उलझेंगे तो फिर बाहर जाएंगे, पाकिस्तान को सुगाड़ना पड़ती। बस यही लिखा है कि मेरिट की बुनियाद पे होती है।
किसी भी शख्स से रब्ता नहीं करें, सिविल बंदे से सिफारिश के तौर के लिए। सब चीज़ें मेरिट पर होती हैं, बस अच्छा है कि मेरिट पर हो ताकि मेहनत करने वाले और गरीब बंदे इसमें आएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, इसकी कटिंग कोस्टल गार्ड की जो कटिंग है उसमें, बाकी चीज़ें मतलब आप देख सकते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो तो मैंने इस वीडियो में बता दी। आज के लिए इतना, बाकी इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो के अंदर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।